बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आजाद इकबाल दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जेड आई डी इलेक्ट्रिकल मेंटोर। हाँ तो नाजरीन, आपकी बार फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ एक और मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो लेकर। आज की हंसती मुस्कराती मन को बाती और चमचमाती वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ कि किस तरह हम इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। नाजरीन, फॉल्ट क्या है कि जो ही मैं रन की कमांड देता हूँ तो यहाँ पर एक्सलरेशन टाइम तो शो होता है, लेकिन जब मैं इसको स्टॉप करता हूं तो डी एक्सलरेशन टाइम शो नहीं होता। आप समझ रहे होंगे कि P011 और P012 की सेटिंग में कोई हलचल मचाई है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो सेटिंग यूं ही बरकरार है, यहां पे वो आपको चेक करा सकते हैं। सबसे पहले हम रन की कमांड देंगे, कौन सी प्रॉब्लम पेश आ रही है और इसको हमने कैसे दूर करना है। तो नाजरीन, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस मुनफरिद लाजवाब और शाहकार किस्म की वीडियो की जानिब। तो यहाँ पे मैं रन का बटन जो ही प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मोटर जो है चल रही है और साथ साथ फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 पे फ्रिक्वेंसी पहुँच चुकी है। अब जो ही मैं स्टॉप का बटन प्रेस करूँगा तो देखें फ़ौरन जो है मोटर रुक गई है, लेकिन उसने डी एक्सलरेशन टाइम जो 50 से लेकर 0 तक आने में लगता है वो यहाँ पे शो नहीं हुआ। यही प्रॉब्लम है, इसको हमने सेट करना है। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि P011 और P012 की सेटिंग में कोई हलचल मचाई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम आपको वो सेटिंग दिखा सकते हैं। प्रोग्राम का बटन प्रेस करें, P0 डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P011 की सेटिंग है ये भी आप देख लें। अब देखें यहाँ पे P012 की सेटिंग तो वो भी 10 पर बरकरार है। वो टाइम हमने उसको छेड़छाड़ी नहीं की है, वो बरकरार है, इसमें कोई हमने रद्द बदल नहीं की। बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है कि हम स्टार्ट करें तो फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 पर जाती है, लेकिन जब स्टॉप करें तो मोटर की फ्रिक्वेंसी जो है डी एक्सलरेशन टाइम वो शो नहीं होता। तो यहाँ पर एक दफ़ा फिर देख लें कि मैंने इसको ऑन किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जो ही मैं स्टॉप करूंगा तो मोटर फौरन रुक जाएगी। तो नाजरीन, हम चलते हैं इसकी सेटिंग में। सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, यहाँ पे P0 है तो आपने इसको 1 कर देना है। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, P105 की सेटिंग में जाएं, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे नाजरीन 1 है तो इसको आप 0 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, अब आ गई है P106 की सेटिंग, डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें, यहाँ पे भी 1 है तो इसको भी आप 0 कर दें। डाटा एंट्री का बटन प्रेस करें ताकि ये सेटिंग जो है वो सेव हो जाए, प्रोग्राम से बाहर निकलें। अब नाजरीन, हम दोबारा इसको चेक करते हैं, रन का बटन प्रेस करते हैं तो नाजरीन आप देख सकते हैं मोटर भी चल रही है और साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है। अब नाजरीन, मैं स्टॉप का बटन प्रेस करता हूं तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। हाँ तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि यहां पे एक्सलरेशन टाइम तो शो होता है, लेकिन डी एक्सलरेशन टाइम 50 से लेकर 0 तक जो होता है वो शो नहीं हो रहा। तो उसकी कौन सी प्रॉब्लम है वो आपको हल और सलूशन हमने बताया है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।